सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं कि जब भी आप कॉन्क्रीटिंग वर्क कराते हैं तो उससे पहले जो प्रोसेस है, ये जो मैं बताने वाला हूं, ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरु जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का स्वागत है सिविल गुरु जी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए आज ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसमें हम जो क्यूब्स प्रिपेयर करते हैं कॉन्क्रीटिंग से पहले उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये क्यूब्स क्यों प्रिपेयर करना जरूरी होता है कोई भी कॉन्क्रीटिंग वर्क से पहले, तो सबसे पहले इसके डायमेंशंस की बात करें तो आपके जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं, जो क्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं आपके लिए साइट पे, वो 150 बाय 150 बाय 150 mm के रहते हैं, कुछ इस तरह के। उसमें हम लोग फिलिंग करते हैं कॉन्क्रीटिंग की। अभी जो कॉन्क्रीट मिक्स है वो कोई भी प्रोपोर्शन का हो सकता है, बेसिकली M25, M30 या जो भी आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग में गिवन हो, या तो वहां पे रखे हुए मिक्सर मशीन से बना सकते हैं आप, या RMC से अगर आप स्लैब कास्ट कराने जा रहे हैं और आपने RMC से इस पूरे कॉन्क्रीट को मंगवाया है तो वहां से उसमें से थोड़े बहुत कॉन्क्रीट को निकालकर इसमें फिल आउट किया जाता है लेयर्स में। और ये जो टेम्परिंग रॉड देख पा रहे हो आप, इस टेम्परिंग रॉड से उसको कॉम्पैक्ट भी किया जाता है ताकि वॉइड्स कम से कम रहे। फिर यहाँ पे इस तरह के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, इन ब्लॉक्स को 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन। तो बेसिकली अगर मैं 7 दिन और 28 दिन की बात करूं तो साइट में हम लोग सिर्फ यही 2 दिन के एक एवरेज टेस्ट को अपन ऑब्जर्व करते हैं। जैसे 7 दिन में लगभग 67% एक क्यूब है जो स्ट्रेंथ अचीव कर लेना चाहिए। अब ये करना क्यों जरूरी होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन हो रहा है, वहां पे फुटिंग की कॉन्क्रीट हो रही है और उस कॉन्क्रीट को मैं आज की डेट पे उसको करवा रहा हूं। सपोज वहां पे कॉन्क्रीटिंग हो जाने के बाद अगर कोई इंस्पेक्शन अथॉरिटी आती है और वो देखती है कि वहां पे कॉन्क्रीटिंग हुआ है, तो वो सबसे पहले आपको उसी डेट का एक कॉन्क्रीट का क्यूब आपसे मंगवाएगी जो कि वो खुद ले जाके अपने लैब में टेस्ट कराएंगे या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में करवाएंगे। तो कभी भी आप कॉन्क्रीटिंग करवाने जाओ तो आपको वो क्यूब्स प्रिपेयर करने होंगे उसी डेट्स के अकॉर्डिंगली और जो मिक्स आपको दिया होगा। अगर वहाँ पे आपके क्यूब्स प्रेजेंट नहीं होते हैं या अगर वो क्यूब्स वो लेकर जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वहाँ पे जितना भी आपने फुटिंग कॉन्क्रीट करवाया होगा वो सभी को तोड़वा देंगे। तो एकदम प्रॉपरली जो हमारे क्यूब्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमको फिल आउट करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कोई भी कॉन्क्रीटिंग वर्क करने से पहले। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हो टेबल में कि 6 से 15 अगर क्यूबिक मीटर का वर्क है तो आपको 2 सैंपल्स बनाने हैं, 16 से 30 के लिए आपको 3 सैंपल्स बनाने हैं, 31 से 50 के लिए आपको 4 सैंपल्स बनाने हैं और 51 या उससे ज्यादा के लिए आपको 4+1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 50 मीटर क्यूब और पार्ट देयर ऑफ। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे हम नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ आई बटन में ऑलरेडी एक रेफरेंस दे रहा हूँ वीडियो का जिसमें इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है अपन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए बस मैं ये बता रहा था कि क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट मीटर क्यूब के अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज होते हैं। तो सपोज आप साइट पे हैं, आपको फुटिंग कॉन्क्रीट कराना है, तो सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आपके अकॉर्डिंगली जो भी वहां पे मिक्स है, सपोज M25 का मिक्स आपको प्रिपेयर करना है तो M25 के मिक्स को आप डायरेक्टली कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आप सबसे पहले क्यूब्स लाएं, उन क्यूब्स में उस कॉन्क्रीट को फिल आउट करें। अब वो क्यूब में कितना कॉन्क्रीट फिल आउट करें उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है क्वांटिटी सर्वे की। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहां मैं कि क्वांटिटी सर्वे ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ 1 क्यूब, ठीक है, तो एक क्यूब में कितना मटेरियल हमको फिल आउट करना है ताकि मैं उसको जब उसको प्रॉपरली जब हम लोग ड्राई कंडीशन पे रख दें फिर उसको क्यूरिंग के लिए हम लोग पानी में डाल के छोड़ देते हैं 7 दिन से 28 दिन तक में, तो वो क्यूब में कितना कॉन्क्रीट हम लोग प्रॉपरली फिल आउट करें कि वो फेल ना हो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट की अगर बात करूं तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब देख पा रहे हो, ये वाली डायमेंशन आपकी 150 mm, ये वाली डायमेंशन आपकी 150 mm और ये वाली डायमेंशन भी आपकी 150 mm। तो लेंथ, विड्थ और हाइट मिल गई हमको। तो डायरेक्टली जब मैं वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकालूंगा
वेट कंडीशन में, तो वो मेरा डायरेक्टली 0.15 × 0.15 × 0.15 जहां पे मल्टीप्लाई करने पे मेरे को ये आंसर मिलेगा 0.0033 m³। ठीक है, फिर अब वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट ड्राई कंडीशन में। ये ड्राई कंडीशन में क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम लोग जो मिक्सिंग है या क्वांटिटीज है सीमेंट सैंड एग्रीगेट की, उसको वेट कंडीशन में नहीं निकालते हैं, ड्राई कंडीशन में निकालते हैं। क्योंकि जब मटेरियल्स ड्राई कंडीशन में होते हैं और जैसे ही हम उसमें वाटर को मिक्स करते हैं, उसके वॉल्यूम में चेंज होता है। मतलब अगर आप ड्राई कंडीशन में इतने वॉल्यूम पे अगर आप मटेरियल मिक्स कर रहे हो, तो वाटर मिक्स करने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, मतलब वो कम हो जाती है। तो जब भी हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरे को हमेशा वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट ड्राई कंडीशन में निकालना है, जिसके लिए 1.54 जो कि मेरा ड्राई कोफिशियंट होता है, मेरे को इसको यूज करना पड़ता है। तो जो भी मेरा वॉल्यूम आता है कॉन्क्रीट का, उसमें मैं 1.54 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मेरा जो वॉल्यूम आएगा कॉन्क्रीट का ड्राई कंडीशन में, वो आएगा 0.0051। ये ड्राई कोफिशियंट 1.54 कैसे होता है, ये भी इसी चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। अगर आप सर्च करेंगे तो ये 1.54 का भी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अब रेशियो की बात करें, 1:1:2 M25 ग्रेड। अब ये कैसे पता चलेगा कि M25 का ही है, तो आपके पास जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होगी उसके स्पेसिफिकेशन में आपको दिया होगा कि कौन सा मिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए, तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है क्यूबिक मीटर में ड्राई वॉल्यूम इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो यहाँ पे जो आप M25 देख पा रहे हो, ये वन आपका पार्ट ऑफ सीमेंट है, ये वन पार्ट ऑफ सैंड है, और ये जो टू है वो पार्ट ऑफ एग्रीगेट है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे अपन, जो वैल्यूज निकाले हैं उसको फिल आउट करते हुए जाएंगे। तो ड्राई वॉल्यूम 0.0051 यहाँ ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है, इनटू कर दूंगा पार्ट ऑफ सीमेंट जो कि है वन, तो यहाँ पे मैंने वन लिख दिया, डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ रेशियो से, तो मेरे सम ऑफ रेशियो है 1:1:2 का, तो अगर टोटल करें तो ये 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मेरी वैल्यू निकली 0.0012 क्यूबिक मीटर। अब केजी में निकालने के लिए जस्ट क्या करेंगे कि अगर मेरे पास क्यूबिक मीटर में वैल्यू है, मेरे को पता है कि सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, तो सीमेंट की डेंसिटी आपकी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली 1440 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 0.0012 में, ताकि मेरे को ये केजी में मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब में है। अगर मैं एक मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और मेरे को वेट मिल जाएगा 1.8 केजी का। नंबर ऑफ बैग्स के लिए जस्ट मेरे को क्या करना होता है कि जितना भी मेरा आया 1.8 केजी, इसको मैं डिवाइड करूंगा 50 से, क्योंकि एक बैग सीमेंट का वेट 50 होता है। पर जब मैं क्यूब के लिए मिक्सिंग कराने जाऊंगा तो मेरे पास एक वेइंग मशीन होगी, उस वेइंग मशीन में मैं क्या करूंगा 1.8 केजी सीमेंट यूज करूंगा उन क्यूब्स को फिल आउट करने के लिए। दूसरा बात करते हैं, अब ये तो बात हो गई आपके सीमेंट की, जिसमें अपन बात करेंगे कि सैंड और एग्रीगेट की भी क्वांटिटी निकालनी है, इसमें भी आपको इनकी वैल्यूज को केजी में निकालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वेइंग मशीन में आप इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केजी में क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सैंड, ड्राई वॉल्यूम मेरे पास ऑलरेडी है कितना था, यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी सॉल्व किया है 0.0051, तो यहाँ लिख देंगे 0.051। रेशियो क्या है 1:1:2 का, तो पार्ट ऑफ सैंड की अगर बात करूं तो यहाँ पे भी 1 आएगा, सम ऑफ रेशियोज की बात करें तो 4। जो भी वैल्यू आती है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, अब आपको कैलकुलेशन करना है कि ये जो भी वैल्यू आई केजी में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको सैंड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि होती है 1450। फिर वैसे ही आपको क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट की अगर बात करूं तो यहां पे ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा 0.0051, पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा 2, सम ऑफ रेशियोज कितने हो जाएंगे 4। फिर सिमिलरली जैसे आपने सैंड को निकाला, वैसे ही आप एग्रीगेट को भी केजी में निकाल सकते हैं। एग्रीगेट के लिए जो डेंसिटी होती है वो होती है 1500, तो जस्ट यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 1500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एग्रीगेट भी केजीज में मिल जाएंगे। तो सिमिलरली जैसे आपको सीमेंट मिल गया केजीज में, वैसे ही आपको सैंड मिल गया केजी में, वैसे ही आपको एग्रीगेट भी केजी में मिल जाएगा। बस उसको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर के साथ आप मिक्स करेंगे,
फिर उन क्यूब्स में फिल आउट करेंगे, लेयर्स में प्रॉपर टेम्परिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप जैसे ही उसको छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए, अगले दिन आके उसको पानी में क्यूरिंग के लिए छोड़ना है, लगभग 7 दिन से लेकर 28 दिन तक के। तो अगर आप नंबर ऑफ सैंपल सपोज मान के चलिए कि 6 बना रहे हैं, तो 3 क्यूब्स की टेस्टिंग आपको 7 दिन में करनी है और 3 क्यूब्स की टेस्टिंग आपको 28 दिन में करनी है। 7 दिन में जो क्यूब है वो कम से कम 67% अचीव कर लेना चाहिए। अगर 25 जो M25 का मिक्स बना रहे हैं हम लोग, उसमें 25 आपका उसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही है, तो इसका लगभग 67% उसको 7 दिन में अचीव हो जाना चाहिए तीनों सैंपल का एवरेज निकाल के, तब वो कॉन्क्रीट आपका पास हो जाएगा। अगर उससे कम आएगी तो फेल। और सिमिलरली 28 डेज में लगभग 99% आपका कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ इतना अचीव हो जाना चाहिए, नहीं तो कॉन्क्रीट फेल हो जाएगा। तो यही था कॉन्सेप्ट इसमें जब हम लोग क्यूब्स की बात करते हैं। तो सिमिलरली आप लोगों को अब ये करना है कि जैसे मैंने आपको सीमेंट का कैलकुलेट करके बता दिया, सैंड के लिए भी आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ एग्रीगेट में भी फिर से बता देता हूँ, इसकी 1450 और इसकी 1500 जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उतना ही क्वांटिटी को आप वेइंग मशीन में ले जाकर प्रॉपरली ट्रॉवल और ट्रे में मिक्स करके उससे कॉन्क्रीट को फिल कर सकते हैं। तो आई होप इंजीनियर्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जाते जाते फिर से बोलूंगा, कभी भी कॉन्क्रीटिंग वर्क हो रहा है उससे पहले आपको क्यूब्स प्रिपेयर करने और प्रॉपरली उसका डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट्स अपने पास रखनी है, ताकि फ्यूचर में किसी का भी कोई भी इंस्पेक्शन होता है तो उसमें आप ये रिपोर्ट्स और ये टेस्ट रिजल्ट्स को दिखा के आप अपने कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं टूटने से। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे ही बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।